नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 अप्रैल। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत। कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी, जिसके तहत ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जहां पर इन दोनों नेताओं ने बिहार में जारी कोरोना के प्रभाव पर बातचीत की। साथ ही मास्क पहनने को अनिवार्य करने का भी निर्देश जारी किया है। वहीं बंद के ऐलान का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ बंद की अवधि को शायद 2 हफ्ते तक बढ़ाने पर भी सोच विचार किया गया है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के सभी जिलों के लिए भेजा 1124 करोड़ रुपए। उक्त जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के श्रवण कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने यह बताया है कि केंद्र सरकार वर्तमान समय में वैसे मद को चुकाने में लगी हुई है जिससे आम नागरिक सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि मनरेगा की लंबित राशि अगले 7 दिनों में भेजने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं इसके लिए 1124 करोड़ भी भेज दिए गए हैं। राज्य के 3 अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा को देखते हुए बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य के 3 अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या में इजाफा करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों में कम से कम 30 वेंटिलेटर के आयोजन का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में आईसीयू की संख्या बढ़ाने का भी आदेश जारी किया है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार हर चुनौती के लिए तैयार रहे। अब गांव कस्बे में बंद का पालन करवाने में असमर्थ मुखियाओं पर सरकार सख्ती से आएगी पेश। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं बिहार के सिवान और बेगूसराय की स्थिति नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी गांव के मुखिया और पार्षदों को सख्त आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अगर बंद की जिम्मेदारी किसी भी गांव में ठीक से नहीं निभाई गई तो मुखिया जी और पार्षद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। खबरों की माने तो सरकार का यह फैसला गांव से ज्यादा मामले को आते देख साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को डीएम कुमार रवि ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते असर के बीच सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को डीएम कुमार रवि ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के लिए आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि किसी भी परिस्थिति में 3 माह की फीस एक किश्त में जमा करने के लिए किसी भी अभिभावक पर कोई भी प्राइवेट स्कूल दबाव न बनाए। वहीं सभी स्कूलों से यह भी कहा गया है कि अभी फिलहाल सिर्फ 1 महीने का ही ट्यूशन फीस ही सभी अभिभावकों से जमा करवाया जाए। इसके साथ ही डीएम कुमार रवि ने स्कूल प्रबंधन को कहा है कि छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल वीडियो पीपीटी के रूप में अभिभावकों और छात्रों को व्हाट्सएप, ईमेल, स्कूल वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। सड़कों पर उतरे सभी शिक्षक लौट सकते हैं काम पर। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षक जल्द ही काम पर वापस लौट सकते हैं। खबरों की माने तो कोरोना के चलते शिक्षक अपने दायित्व के निर्वहन को लेकर काम पर लौट सकते हैं। वहीं इस पर मंत्री ने कहा है कि शिक्षक वापस आए यह गुजारिश तो वह काफी लंबे समय से कर रहे हैं, अगर वह काम पर लौट आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अपनी मांग को लेकर सभी नियोजित शिक्षक पिछले 25 फरवरी से सड़कों पर बैठे हुए थे। केंद्र ने आवश्यक सेवाओं पर बिहार सरकार को दी विशेष छूट। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना ने परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव की ओर से भी बिहार के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया गया, जिसके तहत कोरोना की परिस्थिति में राज्य के तमाम आवश्यक सेवा पर बिहार सरकार को 30 जून तक के लिए विशेष छूट दिए जाने की बात कही गई है। जारी किए गए पत्र में राज्य में उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री और मेडिकल से जुड़ी तमाम चीजों का राज्य स्तर पर रेगुलेट करने की बात कही गई है। नेपाल के रास्ते कोरोना फैलाने की खबर से मोतिहारी जिला प्रशासन आई सकते में। वर्तमान समय में जहां बिहार में कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चंपारण अभी इससे सुरक्षित है। वहीं बीते दिन नेपाल के रास्ते चंपारण की तरफ 40 से 50 कोरोना प्रभावित व्यक्तियों को भेजे जाने की खबर मिलते ही प्रशासन सकते में आ गई थी, जिसके तहत बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं अब मोतिहारी और पूर्वी चंपारण क्षेत्रों से कोरोना प्रभावित की खबर आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को यह शक है कि उन्हें जानकारी मिलने से पहले ही ऐसा हो सकता है कि नेपाल के रास्ते कुछ लोग इन जिलों में प्रवेश कर चुके हों। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब आ सकते हैं बाहर। उक्त आदेश झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने जारी की है, जिसके तहत उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 70 साल से अधिक व्यक्तियों के कोरोना से प्रभावित होने की आशंका ज्यादा है। ऐसे में लालू यादव का रिम्स में रहना सुरक्षित नहीं है, जिसके तहत अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव कुछ समय के लिए बाहर आ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही लालू यादव की रिहाई पर रोक लगा दी थी, मगर अब झारखंड के कृषि मंत्री के बयान के बाद उनके बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई है।
बिहार में 6 चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। कोरोना की बढ़ती गति को रोकने का जिम्मा अब सिर्फ चिकित्सकों के ऊपर है। वहीं अब सरकार भी लगातार चिकित्सकों की सहूलियत के अनुसार ही काम कर रही है, जिसके तहत बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में 6 जिलों में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों के पद पर 6 डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। और साथ ही यह भी कहा है कि कार्यहित के लिए इन सभी अधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रभार 3 जून 2020 तक या नियमित पद स्थापना होने तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा है। भारत सरकार बिहार के लिए भेजेगी केंद्रीय टीम। बिहार में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सूबे में 2 जगह को हॉटस्पॉट के रूप में भी चिन्हित कर लिया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार बिहार में केंद्रीय टीम भेजने वाली है। उसके अनुसार केंद्रीय टीम बिहार आकर जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनके बारे में जानकारी लेगी और तकनीकी सपोर्ट करेगी, ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। मिथिला पेंटिंग के जरिए कलाकार आम नागरिकों को कोरोना के इस माहौल में दे रहे हैं हौसला। कोरोना के बढ़ते असर के बीच मिथिला पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार आम नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत यह सभी कलाकार मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए योगदान दे रहे हैं। यह सभी कलाकार अपने पेंटिंग्स के जरिए कोरोना के बढ़ते असर को दर्शा रहे हैं, साथ ही सभी आम नागरिकों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी कलाकार कोरोना से बचने के तौर तरीके एवं सुझाव को भी बखूबी कैनवास पर उतार रहे हैं। घर घर जाकर सर्वे का काम पटना में हुआ शुरू। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना में हर घर का सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत निगम क्षेत्र में 5 सदस्यों की 575 टीम सर्वे के काम में लगा दी गई है। वहीं अब तक 75 वार्डों में 375 टीमों ने कुल 1642 घरों का सर्वे कर लिया है, जहां से प्रशासन ने 9 लोगों में कोरोना के मामले के लक्षण देखे हैं। हालांकि उनके कोरोना होने की अभी खबर सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, सर्वे के अनुसार अब 1 महीने के अंदर विदेश से लौटे लोगों की जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। सिवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ड्रोन से अब रखी जा रही है नजर। बिहार के सिवान में पिछले करीब 15 दिनों में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा देखा गया है। इसी वजह से सिवान जिले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासनिक महकमा भी सख्ते में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही है और पूरे इलाकों में ड्रोन से लोगों पर नजर रख रही है, ताकि लोग बंद के आदेश का पालन करें। वहीं प्रशासन भी ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ताकि उन्हें पकड़ा जा सके, साथ ही साथ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके। सोनिया गांधी ने बिहार में बढ़ रहे कोरोना के असर पर जताई चिंता। बिहार में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद में गरीबों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में उम्मीद है कि सरकार मौजूदा चुनौती से निपटने के लिए कोई योजना बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोनिया गांधी ने बिहार की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से बातचीत करने के दौरान ली है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार के लिए खुशखबरी। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार NMCH में 4 लोगों ने कोरोना की परीक्षा को पास कर लिया है। वहीं अभी सभी लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार का सिवान जिला वर्तमान समय में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं बीते दिन कोरोना से प्रभावित होने वाले एक और व्यक्ति की खबर सामने आई है, जो कि नवादा जिले का रहने वाला था। पीते हुए युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष विशाल गौरव की पीते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही है, जिसके बाद उन्हें फिलहाल पद से हटा दिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने उन पर सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, अभय कुशवाहा ने यह भी कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। कोरोना के बढ़ते असर के बीच सीमेंट और ईंट उत्पादकों के लिए खुशखबरी। राज्य में ईंट और सीमेंट उत्पादकों के लिए बिहार सरकार ने अहम ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ईंट और सीमेंट के उत्पादन की अनुमति दे दी है, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के बाद कुछ शर्तों के साथ बिहार में कार्यरत 5500 से ज्यादा ईंट भट्टों व सीमेंट उद्योग को उत्पादन की अनुमति दे दी गई है। हालांकि बिक्री पर साफ तौर पर रोक लगने की बात भी उन्होंने कही है। बिहार के चंदन को मिला वेब सीरीज में काम करने का मौका। देश के हर क्षेत्र में बिहारियों का बोलबाला देखने को मिलता है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार के चंदन ने अब फिल्मी पर्दे पर चमक बढ़ा दी है। वैशाली के महनार गांव निवासी चंदन राय ने वेब सीरीज पंचायत में बेहतरीन अदाकारी कर सूबे का नाम रोशन किया है। खबरों की माने तो पंचायत वेब सीरीज दरअसल कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें चंदन के काम की खूब सराहना हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर के बीच इसी महीने 3 अप्रैल को चंदन की सीरीज रिलीज हुई है।
सुशील कुमार मोदी ने कोरोना फंड का विरोध करने वालों पर की टिप्पणी। मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों द्वारा बार बार कोरोना फंड का विरोध करने पर अब टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है उसकी दुनिया सराहना कर रही है, मगर देश में कांग्रेस और राजद जैसे दल है जो हर बात का विरोध कर रहे हैं। बिहार में राजद के किसी विधायक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान नहीं किया है, न ही पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं गरीबों की मदद करते दिखाई दिए हैं। बस बात यही है कि राजद का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, इसलिए बिहार में विधायक पार्षदों के सालाना फंड से 50 लाख लेने का फैसला भी इन्हें गवारा नहीं हो रहा है। कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए एनडीआरएफ ने सिवान, पटना समेत बिहार के कई जिलों में 15 टीम तैनात की। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन तथा मेडिकल टीमों की मदद करने के लिए 9 बटालियन एनडीआरएफ की 15 टीम को बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा तथा नवादा जिले में तैनात किया गया है। खबरों की माने तो इन 9 बटालियन एनडीआरएफ की सभी टीमों की तैनाती बिहार राज्य विभाग के मांग के बाद की गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ के द्वारा तैनाती वाले जिलों में क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स टीम, पंचायत सदस्य तथा अन्य एजेंसी के लोगों को कोरोना से बचाव और निपटने का प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। वैशाली सांसद वीना देवी की रिपोर्ट में कोरोना नहीं होने की हुई पुष्टि। वैशाली सांसद के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वैशाली सांसद वीना देवी में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है, जिसकी जानकारी आरएमआरआई पटना ने शुक्रवार को जारी की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वीना देवी कुछ दिनों पहले दूसरे राज्य के दौरे से लौटी थी, जिसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर अपना चेकअप करवाया था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने महेंद्र सिंह धोनी का लिया पक्ष। जहां भारत में एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की आलोचनाएं आए दिन होती रहती है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी टीम लगातार महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में बोलती नजर आती है। इसी क्रम में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का पक्ष लेते हुए यह कहा है कि धोनी जैसा क्रिकेटर एक पीढ़ी में आता है और इसीलिए उन पर संन्यास का दबाव बनाने वालों को एहतियात बरतनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और वह अभी भी भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लगभग 9 महीने से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं। हालांकि आईपीएल के साथ ही उनकी वापसी की उम्मीदें जताई जा रही थी, मगर आईपीएल के स्थगित होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की वापसी पर संशय की स्थिति एक बार फिर बन गई है। कोरोना की इस परीक्षा में गूगल और एप्पल आए साथ। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए गूगल और एप्पल ने बीते दिन एक साथ आने का ऐलान जारी किया है, ताकि कोरोना की इस परिस्थिति में पूरी दुनिया को निकाला जा सके। खबरों की माने तो गूगल और एप्पल अब मिलकर स्मार्टफोन के जरिए कोरोना कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगे। खबरों की माने तो गूगल और एप्पल अपनी इस नई तकनीक से iOS और एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टैक्ट्स ट्रेसिंग के जरिए काम करेंगे। बिहार के मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े राज्य के सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। विश्वविद्यालय ने हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की परीक्षाओं को फिलहाल टाल देने का ऐलान जारी किया है। एमएसआई से मिली गाइडलाइन के बाद विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज को इस बात की जानकारी देते हुए पत्र भेज दिया है। ज्ञात हो, राज्य के मेडिकल कॉलेज में 22 अप्रैल से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी थी, हालांकि कोरोना के इस माहौल में परीक्षा को आगे स्थगित कर दिया गया। वहीं एमसीई के पत्र में कहा गया था कि कोरोना के असर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी देरी हो रही है और इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रदीप कुमार, अक्षय कुमार, शहनशाह सिंह, राम प्रसाद वर्मा, डीके फिल्म्स, सोनू कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, रवि कुमार, पंकज कुमार, यादव, पवन प्रसाद, पिंकी कुमारी, राजबलम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सरकार द्वारा बंद की अवधि को बढ़ाना कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कितना जरूरी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।